बच्चों, इसमें 3.2 जो 11th क्लास की 3.2 चल रही थी, 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। 6 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री। अब इसमें आपको हमें साइन 765 डिग्री का फाइंड करनी है वैल्यू। अब आपको पता है 765, ये 720 ज़्यादा हो गया। 720 से मतलब क्यों, आपको पता है, बताया था आपको पहले वाले वीडियो में, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये 90 डिग्री, यहाँ तक 180, फिर 270, फिर 360, ये पूरा 360 का हो गया। अब यहाँ पर कितना, तो 360 फिर 360, 720 हो गया। इट मीन्स इसमें जो भी आपका वैल्यू लगेगी उसमें कितना इंटरवल हुआ, 2π का इंटरवल हुआ। तो लिखे, यहाँ पे लिखेंगे, वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स रिपीट्स आफ्टर, ये लिखना पड़ेगा, एन इंटरवल ऑफ 2π। 2π मतलब कितना, जैसे आपको पाई बताया था आपको मैंने, 180, 2π, 360, 2π और 360, इंटरवल ऑफ 2π और 360। इट मीन्स साइन 765 इज इक्वल टू साइन, देखिए ध्यान से, अब मैंने आपको बताया 2 × 360, क्योंकि कितना है 765 है, तो 720 हो गया प्लस 45, ये हो गया साइन, हमने 765 लिख दिया, 2 × 360 प्लस 45। अब साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या है, 45। क्लियर, तो साइन 45 वैल्यू तो आप जानते हो, 1/√2। क्लियर, हमें बस ये क्या करना है, इसको ध्यान से इसके फॉर्म में लिखना है। दैट्स इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक -1410 डिग्री। अब देखिए कोसेक क्या है, -1410 डिग्री, तो -1410 डिग्री इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, कोसेक एज इट इज, अब ऐसे लिखेंगे इसको, -1410 प्लस 4 × 360। अब क्योंकि क्या लिखा है आपको, -1410 प्लस 4 × 360। अब ये क्या कर दिया मैंने आपको, ये आपका -1410 जो है मैंने लिखा, -1410 प्लस 4 × 360। अब क्या बचा, कोसेक, हम इसको, क्योंकि आपने इसको लिखना कैसे है, आपको पता है कि अगर हम लोग लिखेंगे इसको कैसे, -4 × 360 प्लस 30, तो कितना बचा, 1400 हो गया, 1440 प्लस 30, तो कितना, -1400, तो माइनस ये आ गया आपका कोसेक 30। आप चाहो इस लाइन को भी मत लिखो, तो डायरेक्ट ये लिखो, ये जरूरत नहीं इतना सा डायरेक्ट कर दो, क्योंकि -4 × 360 कितना हुआ, -1440 प्लस 30, तो कितना हो गया जी, -1410 हो गया, ऐसे ले सकते हैं इसको, तो कोसेक 30 हो गया। अब कोसेक 30 वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ 2, कितनी होती है, 2। दैट्स इट। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19π/3। अब देखिए 19π/3 दे रखा है आपको, तो इसको क्या ले सकते हैं आप लोग, tan 6π + π/3। अब 6π + π/3, तो tan 6π + π/3 क्या होगा, tan θ 10π/3। tan π/3 वैल्यू कितनी होती है, मतलब tan 60 मतलब √3, कितना हो गया, √3। क्लियर, दैट्स इट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन
माइनस 11π/3, 11π/3 क्या लिखेंगे इसको, साइन एज इट इज माइनस 4π प्लस पाई बाई थ्री। अब साइन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री क्या होता है, साइन 60 यानी √3/2। केवल आपको वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। ये बच्चों अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot, cot माइनस 15π/4। अब क्या लिखेंगे इसको, cot माइनस 4π प्लस इसमें π/4। अब cot π/4 तो कितना आ जाएगा, माइनस 15π/4। अब cot इसमें जो फॉर्मूला cot π/4 हो जाएगा, cot π/4, cot π/4 इसके लिए होती है cot 40 तो 1, किसकी होती है 1। ये आपका हो गया, क्लियर।